जय हिंद साथियों, आप सभी बिहार पुलिस अभ्यर्थियों को। साथियों, आप सभी ने बिहार पुलिस 21,391 की फॉर्म भरी है। लंबे समय से इंतजार चल रहा है आपका और आपने एक साल प्लस इंतजार किया है। आपको ये लगता है कि हम इसमें कब एग्जाम देंगे, एग्जाम डेट कब आउट किया जाएगा और किस तरीके से इस बार बहाली की नीति होगी, बहाली की प्रक्रिया होगी। साथियों, अब सभी बहाली खत्म हो चुकी है। आपने देखा अभी रिसेंट में दरोगा की बहाली हुई बिहार में, 1275 पद के लिए दरोगा की बहाली हुई और अभी ये कहा जा रहा है कि बहुत बहाली आएगी दरोगा की और सिपाही की, लेकिन हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इतनी जल्दी बहाली आएगी बिहार में, क्योंकि अभी जब सिपाही की एक बहाली जो 21,000 पद की बहाली है, एक साल से ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि अब कितनी बहाली को कितने समय में क्लियर कराया जाएगा। अभी हम इस पे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि नहीं बहाली आएगी और उसमें हम फॉर्म भर के सिलेक्शन लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ उस बहाली पे फोकस करना होगा जो आपके सामने है। जैसे अभी दरोगा की जो बहाली हुई उसमें जो अभ्यर्थी पास है वो मेघा सूची के इंतजार कर रहे हैं और 21,391 सिपाही बहाली अभी जो आने वाली है डेट, जो 7 अगस्त से डेट बताया जा रहा है और वायरल जो हो रहा है नोटिस, वो अगर सच है तो 7 अगस्त से आपका एग्जाम होगा और जब एग्जाम होगा तो आप समझिए कि उस समय से आपकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो सिपाही बनते हैं वो निम्न परिवार के लोग बनते हैं, मतलब वैसे परिवार के लोग बनते हैं जो परिवार निम्न स्तर से आता हो, गांव देहात से आता हो, कि जिनके पिताजी माता जी भी किसान हैं, मतलब किसान का काम करती हैं। आप समझ जाइए कि वैसे लोगों के लिए बहाली था इंडियन आर्मी, जिसको हटा के अग्निवीर कर दिया गया अग्निपथ योजना के तहत। आप समझिए कि क्या स्तर हो गया है, मतलब अब बहाली सिपाही की काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो देश की बहाली थी आर्मी सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए एक ही बहाली थी, जो बच्चा बड़ा होता था और इंडियन आर्मी की सपना देखता था, अब वो सपना देखना बंद कर दिए हैं क्योंकि अग्निवीर हो गया है आर्मी की बहाली। अब अग्निवीर होने के बाद ज्यादातर बच्चे स्टेट पुलिस को प्रेफर कर रहे हैं, मतलब अग्निवीर में नहीं जाना चाहते हैं। अब साथियों, जो भी लड़के तैयारी में लगे हैं वो साफ साफ एक बात को जान लीजिए, अगर आप इस बहाली पे फोकस नहीं करिएगा तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। आपको पूरे दमखम के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, यानी कि जो सही नीति है सिपाही बनने की, जैसे आपका रिटन एग्जाम है, आपका फिजिकल है और आप मेडिकल फिट होने चाहिए, अगर इस 3 चीजों पे आप आते हैं अच्छे तरीके से, आप अगर सही पाए जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन होती है, अगर आप सही नहीं पाए जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। साथियों, ये सिपाही है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, आईएएस की एग्जाम नहीं ली जा रही है या बिहार दरोगा का एग्जाम 2 पेपर नहीं लिया जा रहा है, ये सिंगल शॉट एग्जाम है और एक एग्जाम को पास करना काफी ज्यादा आसान होता है। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होगी, जैसे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं, बच्चे जो फॉर्म भरे हैं 21,000 की, उनके दिमाग में चल रहा होगा NCLEWS को लेके बहुत ज्यादा। तो हम ज्यादातर आज इस वीडियो में NCLEWS का ही बात करेंगे, क्योंकि आप सभी इस NCL और EWS की वजह से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप सभी ये सोच रहे हैं कि NCLEWS में हम सभी को फंसाएगा, यानी कि हम सभी को रद्द कर देगा हमारे फॉर्म को, तो आपका मानना ये काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि जो अभ्यर्थी पहले पास किए हैं, आप देखिए जो पिछले वाले चेयरमैन साहब थे उनके पहले जो भी KS द्विवेदी साहब के टाइम में जो भी बहाली हुई, वो टाइगर जंप भी लिया गया, कोई भी NCL कोई भी EWS फाइनेंशियल ईयर भी जो पिछले वाला था वो भी सब लेके उसको पास किया जा रहा था। बीच में जो बहाली हुई, चेयरमैन साहब चेंज हुए, उस बहाली प्रक्रिया में बदलाव हुआ था और कोई भी नोटिस पहले नहीं जारी किया गया था, नोटिस बाद में जारी की गई थी और टाइगर जंप को बैन किया गया था बिना बताए। अब साथियों, जो आप बहाली नई प्रक्रिया आप देख रहे हैं, जो बहाली में BPSSC अभी बहाली ली है दरोगा की, उसमें भी NCL और EWS को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में थे अभ्यर्थी, लेकिन सब कुछ आपके आपके सामने है और सब कुछ साफ है। आप देख रहे हैं जो भी बहाली हुई उसमें जो NCL है बिहार में, आप देख रहे हैं उसमें सिपाही हो या दरोगा हो, NCL नॉन क्रिमिनल लेयर में फॉर्म 18B भरने के बाद कोई भी NCL आप जमा कर सकते हैं। बिहार सरकार के फॉर्म 18B है, उसमें आप देखिएगा, वो भरने के बाद आप कोई भी NCL अगर आपके पास है तो आप जमा कर सकते हैं और वो मान्य होगा लीगल तरीके से। सिपाही आयोग ने भी जारी किया था उस समय, उसमें ये दिया हुआ था।
तो एक चीज तो आपका क्लियर है एनसीएल को लेके और ईडब्ल्यूएस को लेके जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो आपको ईडब्ल्यूएस बना लेना है। आप चुपचाप बना के रखिए और आप इधर उधर का वीडियो पे ध्यान मत दीजिए, आप बस एक चीज को ध्यान दीजिए कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस हमारे पास है कि नहीं। आप अगर नहीं है तो आप तुरंत बनवाइए, आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को भी चिंता नहीं करना है, एनसीएल को भी नहीं चिंता करना, आप एकदम लिख के ले लो, आप सबको ही मान्य हो। आपको अगर ये लग रहा है कि आप मान्य नहीं है तो भैया अभी आप तुरंत बनाइए, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सब कुछ मान्य होगा, चिंता नहीं करना है आपको। आप चुपचाप फिजिकल और रिटर्न पे ध्यान दीजिए। देखिए सिपाही एकलौता बिहार में ऐसा एग्जाम है जिसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो फिजिकल के नंबर के आधार पे बनती है, यानी कि जो हाई जंप है, गोला है और दौड़ है सिपाही की बहाली में, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, ना कि रिटर्न के नंबर पे। रिटर्न ओनली क्वालिफाइंग होता है। तो अब देखिए बहाली में क्या है, 21,000 बहाली है और 21,000 बहुत बड़ी बहाली है एक राज्य के लिए, आप समझ लीजिए। रेलवे में 6,000 बहाली पूरे भारत इंडिया लेवल पे आया था, पूरे भारत के लेवल पे 6,000 बहाली आई थी, और ये जो बिहार पुलिस है एक राज्य में 21,000 बहाली है। तो यानी समझ लीजिए आप कि हर एक युवा इसमें मतलब अपना दमखम दिखा सकते हैं, और इतना तो जरूर है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। आप देख लीजिए पुराना कट ऑफ 8,415 सिपाही बहाली हो, या 11,880 हो, या 9,900 बहाली हो, सभी बहाली को आप देखिए और उसका कट ऑफ को एनालाइज करिए। जनरल का कट ऑफ नॉर्मल जो कट ऑफ जा रहा है 76 जा रहा है, ये सब जो 8,415 सीट है या क्या बोलते हैं 9,900 है, मतलब 80 नंबर में सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, 21,000 बहाली है, आप सभी का कट ऑफ वट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है, फिजिकल में भी बहुत कम जाएगा, रिटेन में भी काफी कम जाएगा। ईबीसी एससी एसटी और जो ईडब्ल्यूएस है समझ लीजिए कि 66 पार नहीं करेगा, 66 क्रॉस नहीं करेगा, 66 में और 66 के पहले फिजिकल में सबकी मेरिट बननी है। तो फिजिकल में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दम लगाने की जरूरत है, नहीं, आपको ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। आप पढ़ाई अगर आप सच्चे अगर मेरा बात मानने वाले हैं और हमारे YouTube को फॉलो करते हैं या मेरा एक बात भी मानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस सेट मारिएगा, जितना ज्यादा पढ़िएगा, वो आपको ज्यादा फायदा करेगा इस 21,000 बहाली में। आप दिन भर पढ़िए और 60 क्वेश्चन सही करेगा ना कोई पुरुष अभ्यर्थी अगर 60 प्लस मार देता है तो उसकी रिजल्ट कंफर्म हो जाती है, और महिला अभ्यर्थी 50 क्वेश्चन सही करेगी तो उसकी रिजल्ट हो जाएगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी दिन रात इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, कैसे मेरिट लगेगा, कैसे चोरी होगा, अदर स्टेट रहेगा कि नहीं, क्वेश्चन आउट होगा कि नहीं, ये सब आज भी आपके दिमाग में पल रहा है, और कल होके आप हल्ला करेंगे कि आयोग चोरी करवाया है। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि अदर स्टेट सेंटर देगा तो हम चोरी कैसे करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि सेंटर मैनेज नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, अगर आप एक अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं, अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, राज्य पुलिस कर्मी बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चलना चाहिए कि बहाली को फेयर तरीके से जितना जल्दी कैसे कराया जाए। अगर आप सभी बिहार के नौजवान इस तरीके से सोचेंगे तो बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि बहाली जितनी जल्दी हो जाए और स्वच्छ तरीके से हो। अगर ऐसी बहाली होती है तो हर एक युवा का अपना दम दिखाने का मौका मिलेगा और एक अच्छा मतलब पुलिस का माहौल बनेगा और एक अच्छे नौजवान जाएंगे पुलिस में और अच्छे अपने राज्य का विकास होगा। अगर इस तरीके से बहाली ली जाती है तो समझिए कि आप सभी सफल हो जाएंगे, और जहां आपके दिमाग में चोरी चलती है और चोरी की बात आती है उसी जगह पे बिहार भी पीछे हो जाएगा, और जो दाग है बिहार सरकार पे, बिहार पे लगा हुआ, वो कभी हट नहीं पाएगा अगर आप चोरी के बारे में सोचेंगे तो। और देखिए अगर आप सही में बचपन से आपके पिताजी ने आपके पीछे पैसे खर्च किए हैं और सही में अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें, तो किसी का सहारा लेना बंद करिए। किसी को चोरी के लिए प्रेरित करना, किसी को दलाली करने के लिए प्रेरित करना, ये सही नहीं है। आप सभी को खुद अपने ऊपर विश्वास रख के तैयारी करना होगा, कुछ नहीं करना। लूसेंट घटना चक्र जो किताब नॉर्मली दरोगा के लिए आदमी पढ़ता है, सिपाही के लिए पढ़ता है, वो पढ़ के आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप सबसे पहले 7 अगस्त के एग्जाम की तैयारी करिए। एग्जाम 7 अगस्त को एक्सपेक्टेड है कि होगा, आप उसमें तैयारी करिए और दमखम के साथ उतरिए, और जब आप बहाली के लिए उतरिएगा तो आपकी सिलेक्शन होगी, और अच्छे से आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो भी अभ्यर्थी बिहार की हमारे वीडियो को देखते हैं, जो बेसिक चीज है, दौड़ना है और पढ़ना है, दो काम पे ध्यान देना और शरीर को फिट रखना है, खाने पीने पे ध्यान देना है।
अगर आप इतना प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो इस बार आपको सिपाही बनने से 21,000 में कोई नहीं रोकेगा। बिहार में सिपाही बनना है तो बहुत अच्छी नौकरी है, रिस्पेक्टेड जॉब है, नियर बाई होम। अगर आप घर से नजदीक रहेंगे, अपने घर से नजदीक रहेंगे, आप अपने घर भी आ सकते हैं, माँ बाप का भी ख्याल रख सकते हैं और एक बढ़िया राज्य पुलिस कर्मी बन के आप सेवा भी दे सकते हैं। तो आप सभी साथियों जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और फिजिकल के लिए आप कांटेक्ट हमारे से कर सकते हैं। हम सभी बहुत रिजल्ट दिया है, कोई नई बहाली हमारे लिए नहीं है, हम सभी ने लाइन लगा दिया है रिजल्ट का। ऐसा कोई जिला नहीं जो मार्कोसट से हिला नहीं, हम सभी ने काफी रिजल्ट दिया है और रिजल्ट के दम पे ही आज पटना के गांधी मैदान में टिके हैं साथियों। और आगे भी हमारा प्रण है आपके लिए, बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था हमने रखी है 21,000 के लिए। हमारे यहाँ ग्राउंड वगैरह सब कुछ सेपरेट व्यवस्था है, आपको चिंता नहीं करना है। आप सभी बस 21,000 बहाली की इंतजार करें और आप सभी अच्छे से तैयारी करें। बहुत बढ़िया व्यवस्था आप सभी के लिए हम लोगों ने किया है, आप बस एग्जाम निकाल के आए आप सभी। और फिजिकल अगर अभी से करना हो, रिटर्न करना हो, तो आप कॉन्टेक्ट करें, आप सभी को अच्छे से कराया जाएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब।